दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और आज मैं इसको बहुत ही अलग ढंग से डिस्कस करने वाला हूं। इसका बेस कैसे बनेगा, इसमें पिलर कैसे बनेगा, इसमें पिलर का जो सरिया है बीम कैसे, वो सारा डिस्कस करूँगे। और साथ साथ फ्रंट एलिवेशन आप देख लें इसका कितना बेहतरीन है, साइड से आप देख लें, चारों तरफ ने विंडो दे रखी जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, ऊपर गुमटी बना हुआ है, रेलिंग बना हुआ, तो 4 बेडरूम हाउस प्लान है जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही एक्सक्लूसिव मिलती हैं। बेहतरीन तो मॉडल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं कौन झागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड और न्यू मॉडल्स मिलते रहते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार स्मॉल हाउस प्लान पर ज़रूर विजिट करें, इससे आपको नया एक मॉडल मिलेगा तो आप उसे देख कर बनवा सकते हैं। आज का जो प्लान उसे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इसका बेस मॉडल्स मैं डिस्कस करूँगा, इसका बेस कैसे बनेगा, पिलर कैसे बनेंगे, बीम कैसे बनेगी वगैरह वगैरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों इसका बेस मॉडल है, सबसे जो ग्राउंड लेवल का बेस मॉडल है ये देखिएगा। आपके पिलर के पॉइंट मैंने बता रखे, पिलर कहाँ कहाँ पर बने, देखिए सारे डिटेल, और आपको पूरा एक बेस मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ये गैलरी है, ये बेडरूम्स हैं, ये आपका आंगन है, ये बेडरूम्स है, ये बेडरूम है वगैरह, ये सारे पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका बेस मॉडल है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप चारों तरफ से देख लें, बेहतरीन सा बेस मॉडल। अब इस पर अगर पिलर खड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा आप देखिएगा। तो ये देखिएगा, जैसे पिलर इस पर खड़े होते हैं, मतलब कि पिलर का मीन से मेरा इसका जाल जो पिलर का होता है वो बनता है, तो ये देखिए मॉडल आपका ऐसा दिखने वाला है। अगर मैं इसके फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, अगर इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा इसमें जो वाइट कलर की आप रिंग्स देख रहे हैं, हालांकि रिंग्स वाइट नहीं होती, ब्लैक होती, लेकिन मैंने कलर जिसमें आपको प्रॉपर दिखे इस वजह से आप वाइट कलर की रिंग्स लगा रखी हैं। तो ये तो आपका बेस मॉडल का जहाँ जहाँ पिलर्स बनने हैं वो आपका पूरा खड़ा है स्ट्रक्चर। इसी पर अगर आप जब बीम डालेंगे, देखिए पिलर बनता है, पिलर के साथ ही वैसे बीम बढ़ता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया। अब इसमें मैं बीम दिखाऊंगा, बीम कैसे आपका कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। देखिए इसका बीम, इसका ये प्रॉपर बीम पड़ चुका है, इस पर बीम का जाल बन चुका है, प्रॉपर तरीके से आपके पिलर खड़े हो चुके हैं, और बीम मतलब पूरा ओवरऑल मॉडल ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि घर को स्ट्रक्चर बनाने में ही प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो यहाँ पर बीम, और इस पर अब आसानी से आप बीम का मसाला, जो भी पिलर्स का मसाला है वो डाल सकते हैं, और बेहतरीन से आपका बेस तैयार होगा, इसी पर आपकी बिल्डिंग खड़ी होती चली जाएगी। अब देखिएगा ये दोस्तों, ये मॉडल आप देखिएगा, आपका जब बेस बन जाता है, इसका पिलर बन चुके हैं, लगभग 3-3 फीट दीवारें बन चुकी हैं, और आपके कहाँ कहाँ पर डोर रखे जाने हैं, आपके विंडो कहाँ पर रखा जाना वो देखिए मैंने फिक्स्ड कर रखा है। ये आपका एक बेस मॉडल और फिक्स्ड विंडो वगैरह आपको दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। लगभग 3 फिट का भी चारों तरफ है, मतलब कि आपकी वॉल बन पाई है, और इसके बाद आपको डोर विंडो का साइज वगैरह यहाँ पर दिखता है, विंडो वगैरह कहाँ पर फिक्स करनी है। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अब देखिएगा दोस्तों, ये पूरी प्रॉपर तरीके से ग्राउंड फ्लोर आपका कंप्लीट हो चुका है फुल वॉल के साथ, और ये आपका पूरा डेकोरेशन होता है। देखिए मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, दोनों साइड विंडो है, क्योंकि बेडरूम्स है लेफ्ट और राइट साइड में, इसका मेन डोर से एंट्री, ये आपको पोर्च टाइप का मिलता है, 2 बेडरूम्स मिलते हैं, ये आपको बड़ा सा आंगन मिलता है दोनों साइड, फिर कॉर्नर पर बेडरूम, और बीच में आपका यहाँ पर मिल जाता है बड़ा सा किचन, और यहाँ पर आपकी स्टेयर्स हैं जहाँ से आप ऊपर जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 लेट एंड बाथ मिलते हैं। देखिए एरिया लगभग 12 फिट है, उसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया 6-6 में, और लगभग 8 फिट का आगे है। तो ओवरऑल ये अगर हम बात करें तो 4 बेडरूम 2 लेट एंड बाथ, 1 किचन जो कि फ्रंट में है, और ये स्टेयर्स, चारों तरफ विंडो मैंने दिया जहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अगर आपका चारों तरफ ओपन नहीं है तो आप इन विंडोज़ को हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, आप अपने आंगन में जाल रखवाइएगा जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। देखिए फर्स्ट फ्लोर पर हालांकि कुछ मैंने क्रिएट नहीं किया है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में बेहतरीन सा रेलिंग जो कि ईंटों का ही है, और ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, और उस पर ये मैंने रूफ बना दिया। तो ओवरऑल लगभग ये मॉडल आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि 4 कमरे हैं 4 बेडरूम के साथ। हाउस प्लान ये था, कैसा लगा जरूर बताएं। इसकी साइज़ की मैं बात कर लूँ दोस्तों, साइज़ इसका 30x36 है, 30x36 फट में मकान डिज़ाइन किया है मैंने, एक बेहतरीन सा मॉडल जो कि बेस लेवल से टॉप लेवल तक आपको दिखाया। अगर हमारी आपको मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। इस स्मॉल हाउस प्लान को मैं फिर से गुजारिश करता हूँ, आप अपने अपना सपोर्ट देते रहें, मैं आपके लिए नए नए मॉडल्स लाता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।